नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल और आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। जो भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए गए हैं उन सभी की वीडियो, इसमें हम बताएंगे किस किस प्लेयर को क्या कौन सा अवार्ड मिला है। इस वीडियो के जो है आप सभी नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। एक से दो क्वेश्चन ज़रूर कवर करेगी स्पोर्ट्स का हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का हो, हरियाणा का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये उसको ज़रूर कवर करेगा। बहुत अच्छा जो है आज का ये वीडियो होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो सबसे बेस्ट अवार्ड माना गया है, उसकी अगर मैं बात करता हूँ तो वो किस किस को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड याद रखना है कि किसको किस कैटेगरी का अवार्ड मिला है। ये सिर्फ दो प्लेयर्स को दिया गया है, मीराबाई चानू और विराट कोहली को। मीराबाई चानू क्या है, वेट लिफ्टर है, और विराट कोहली को आप सभी जानते हैं वो क्या है। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किसको मिला है, वो मिला है सूबेदार चेदानंद अचिया कुटप्पा को। ये किस में मिला है, ये बॉक्सिंग में मिला है। नेक्स्ट इज़ विजय शर्मा, विजय शर्मा को वेट लिफ्टिंग में मिला है। ए श्रीनिवासा राव को मिला है टेबल टेनिस में। सुखदेव सिंह पन्नू को मिला है एथलेटिक्स में। और नेक्स्ट इज़ क्लीरेंस लोबो को मिला है हॉकी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इसको, द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य कौन थे, ये कौरवों और पांडवों के गुरु थे, तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी कोच को दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी कोच थे बॉक्सिंग के, वेट लिफ्टिंग के, टेबल टेनिस के, ये सभी कोच थे, और इनको जो है द्रोणाचार्य अवार्ड 2018 से नवाजा गया है। इन सभी को आप याद कीजिएगा। कैसे करना है, कौन सी ट्रिक लगानी है, वो काम आप सभी के ऊपर डिपेंड है, आपकी आईक्यू लेवल के ऊपर डिपेंड है, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। ठीक है, डाटा आपके पास है तो आप इसको इंश्योर करोगे कि आपको ये कैसे हमको जो है ये ग्रैब करना है, कैच करना है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये भी द्रोणाचार्य अवार्ड है, इसके इसमें है तारक सिन्हा। तारक सिन्हा को किस में मिला है, क्रिकेट में मिला है तारक सिन्हा को। जीवान कुमार शर्मा को मिला है जूडो में, और वी आर बेदू को मिला है एथलेटिक्स में। ये है द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किस किस को मिला है, ये अगर हम पीछे की बात करें तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है टोटल कितने लोगों को मिला है, टोटल 8 लोगों का जो है द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। और अगर हम नेक्स्ट अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं तो अर्जुन अवार्ड अबाउट 20 लोगों को जो है अर्जुन अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं, ये एथलेटिक्स में है, एथलेटिक्स में भाला फेंक है, कहाँ से है, ये पानीपत हरियाणा से है। इन्होंने एशियन और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट इज नायब सूबेदार जिनसन जॉनसन, ये कौन सा इनका स्पोर्ट्स है, ये है एथलेटिक्स में। हीमा दास एथलेटिक्स, हीमा दास जो है असम से है, 4x400 रिले में और 400 मीटर में इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट इज एन सिक्की रेड्डी, एन सिक्की रेड्डी को किसमें मिला है, बैडमिंटन में। सूबेदार सतीश कुमार को मिला है बॉक्सिंग में। स्मृति मंधाना को मिला है क्रिकेट में। एंड नेक्स्ट इज शुभांकर शर्मा को मिला है गोल्फ में जो है अर्जुन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो मनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी में, सविता को मिला है हॉकी में, रवि राठौर को मिला है पोलो में, राही सरनोबाद को मिला है शूटिंग में, अंकुर मित्तल को मिला है शूटिंग में, श्रेयसी सिंह को मिला है शूटिंग में, मनिका बत्रा जो अब की बार बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी उसको मिला है टेबल टेनिस में, और जी साथियान को मिला है टेबल टेनिस में। दोस्तों मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इन सभी के नोट्स बना लीजिएगा, इनको याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये वीडियो है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना आप सभी जानते हैं टेनिस के प्लेयर हैं। सुमित को मिला है रेसलिंग में। पूजा कादियान को मिला है वुशु में। अंकुर धामा को मिला है पैरा एथलेटिक्स में। मनोज सरकार को मिला है पैरा बैडमिंटन में।
अब है नेक्स्ट लास्ट जो है ध्यानचंद अवार्ड जो है ये किस किस को मिला है। ध्यानचंद अवार्ड जो है टोटल 4 प्लेयर्स को मिला है। सत्यदेव प्रसाद को आर्चरी में, भारत कुमार छेत्री को हॉकी में, बॉबी अलोइसियस को मिला है एथलेटिक्स में, एंड नेक्स्ट इज़ दादू दत्तात्रेय को मिला है रेसलिंग में। तो ये थे हमारे टोटल जो जितने भी द्रोणाचार्य अर्जुन है या भारत रत्न खेल अवार्ड है, ये सभी इसके जो है ये प्लेयर्स थे या हम इसको बोल सकते कोच थे, ये पर्सन थे। इन सभी की जो है हमने वीडियो देख ली है, इनके नोट्स अच्छे से बना लेना है और याद करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।